गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज मैं आपको हमारे घर से बर्फ़ के पहाड़ दिखाने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, पहाड़ों में गिरी हुई बर्फ़ और हमारे घर से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई है। एक्चुअली कल रात को ना फुल बारिश हो रही थी। ये देखो भाई, हमारे छत पे पूरा पानी भर चुका है यहाँ पे। तो मैं अभी भी उठा, मैं सीधा अपने नए घर पे आ गया, बिकॉज भाई जब यहाँ बारिश होती है ना तो इसका मतलब वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहाड़ों में क्लियरली बर्फ़ दिख रही है। ये देखो भाई सामने इस वाले पहाड़ पे देखो, ये जो व्हाइट दिख रहा है ये पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ देखो ये बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये नैनीताल के पहाड़ है गाइस। और क्या मस्त व्यू दिख रहा है बारिश के बाद का। बारिश के बाद ना पूरा क्लियर हो जाता है, देखो पूरी सिटी क्लियर दिख रही है, पहाड़ क्लियर दिख रहे हैं सब कुछ। और यहाँ देखो पूरा पानी ही पानी। बट भाई देख के जो सुकून मिल रहा है ना, इतना मस्त लग रहा है इन पहाड़ों को देख के, एकदम फ्रेश फील होता है। और ऊपर से देखो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, एकदम ऐसा लग रहा है नेचर के बीच में। बट कुछ सालों में देखना यहाँ पे घर बन जाएंगे, तब वो वाली फील नहीं आएगी। अभी तो यहाँ झाड़ियाँ वाड़ियाँ है ना, तो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, अच्छा सा लग रहा है। बट कुछ सालों में यहाँ भी घर बन जाएंगे लोगों के, तब ये वाला व्लॉग देखूँगी भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं था, अब तो घर बन चुके हैं। और गाइस जो ये फील है ना पहाड़ों को देखने वाला, वो मैं डेली ले सकता हूँ यहाँ पे आके। तो हाँ, इसलिए स्पेशली हमने यहीं पे घर बनवाया। हम रहने को दिल्ली, मुंबई या फिर हरियाणा भी रह सकते थे, बट हम वापस आ गए हमारी देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड। चाचा जी भी आ गए यहाँ पे। चाचा जी क्या मस्त मौसम हो रहा है ना। अब नीचे जाने में थोड़ा रिस्क है, बिकॉज मेरे पैर पूरे गीले हो रखे हैं ना, फिसल ना जाए कहीं, फिसलूंगा तो सीधा नीचे गिरूंगा ना। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो नहा धो के मस्त रेडी हो गया हूँ, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। दाल चावल बने हैं, साथ में अचार, हरी सब्जी, भिंडी, चटनी, मस्त सब कुछ मिला के खाएंगे, अलग ही फ्लेवर आएगा। गाइस ये देखो मम्मी का तो हाथ जल गया था, पूरी खाल निकल गया। मैं ऐसे ही गुआ भी घुमाई, देख लो ऐसी अब पूरी खाल निकल गई इसकी। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? ना तो। तो गाइस अब मैं अम्मा को थोड़ा कष्ट देना चाहूंगा। अम्मा आपको बस बैठे रहना है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। एक घंटे तक बैठे रहोगे ऐसी? हाँ, बैठे पूरे एक घंटे तक, जितना बैठ सकूंगी। फिर अगर बीच में ब्रेक चाहिए तो बता देना। ठीक है। कुछ खाना पीना चाहिए तो बता देना। खाना पीना तो कुछ नहीं चाहिए, पैर में वो हो जाता है ना, दर्द जैसा हो जाता है तब। अच्छा, पैर में दर्द जैसा हो जाता है? हाँ, बैठती हूँ मैं। तो क्या करें फिर? नहीं नहीं बैठूंगी, फिर जब कहूंगी तो थोड़ा सा। चलो भाई शुरू करते हैं आज। बैठे बैठे बोर हो जाओगे, लैपटॉप में कुछ चला देता हूँ। क्या चलाऊँ, भजन चलाऊँ, क्या चलाऊँ बताओ? चला दे कुछ है? कुछ भजन अच्छा वाला चला दे। भजन चलाऊँ या कोई ब्लॉग या फिर क्या देखना है? क्या पसंद है आपको देखना? मेरे को क्या देखना है, भजन लगा लिया थोड़ी और। तो गाइस एक घंटे में जल्दी जल्दी कुछ ऐसा बना है। अम्मा दिखा दूं आपको? दिखा दे। देखो कमेंट करके बताना अम्मा लग रही है नहीं लग रही। दादाजी ये कौन है, ये कौन है? पता ही नहीं कौन है, कौन है ये? नहीं पता है? सच में समझ में नहीं आ रहा कौन है, नहीं पता कौन है? इतनी खराब बनी है क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है? इतनी खराब बनी है? खराब क्यों बनी है? तो कौन है ये? पहचान नहीं पा रहा हूँ यार, रुक तो। हैं? हाँ। अम्मा बाबू कह रहे पता ही नहीं कौन है। अम्मा है, हैं? पक्का। आपको अपनी पत्नी को नहीं पहचान सकते आप? पहले मेरे ध्यान में नहीं आया ना। अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे हो आप? पहचान लिया अभी। तो इतनी लेट कौन पहचानता है, क्या अम्मा नहीं लग रही क्या वो? भाई एकदम से देखते ही समझ जाना चाहिए कि अम्मा है। तो भाई इस पीयूष कुनाली स्कूल से आ गए। कुनाली आपसे एक बात पूछूंगा, बताना कौन है ये, बताओ कौन है? अम्मा, जब मैं नौकरी करने जाऊंगा मैं ये ड्रेस पहनूंगा। कौन सी ड्रेस? ये। नौकरी करने जाओगे? हाँ। क्या नौकरी करोगे है? क्या नौकरी करोगे? क्या करूंगा पता नहीं। किस चीज की नौकरी करनी? बड़े होके देखेंगे। अच्छा, तो ये ड्रेस पहन के जाओगे? हाँ। क्यों? ऐसी क्यूट लग रहा है यार। कौन सी गाड़ी है? चलानी है? हाँ। आ जाओ फिर चलाएंगे। लो चला लो। तो पहले तो उसकी छत खोलेंगे, छत खोलने में मजा आता है, छत खोल के चलाने में मजा आता है। चलो भाई देखते हैं आज कुनाली गाड़ी चला पाता है नहीं चला पाता। मैंने चाबी इसको दे दी है, चलाने आती है? स्टार्ट करने नहीं आती पर चलानी आती है, स्टार्ट करने नहीं आती। फ्यूचर ही अलग है इसका। क्या अलग है? फ्यूचर्स। फीचर्स? फीचर्स क्या होता है? चीजें। फीचर्स होता है? फीचर्स। ब्रेक दबा के स्टार्ट होती है। कौन से है ब्रेक पता है? हाँ, ये है। हैं? ये। हाँ यही है ब्रेक। ओ भाई स्टार्ट तो कर दी भाई। अब चलाओ कैसे? कुनाली आपको दिख रहा है कुछ? कुनाली दिख रहा है आपको सामने कुछ? दिख रहा है सामने?
मम्मी जा गई हॉस्पिटल से, टीके लगवाए। मम्मी के ना पैर में टीके लगते हैं आजकल, तो वो लगवाने गई थी मम्मी हॉस्पिटल। दर्द दर्द तो नहीं हो रहा पैर में? मम्मी ये होता कौन है? अम्मा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नए घर फिर से, बिकॉज देखो मस्त बादल हो रहे हैं, टाइम लैप्स लेंगे बादलों के। चलें? चलो चलो, हम ड्रोन भी लेके जा रहे हैं। सुबह सिर्फ पहाड़ दिख रहे थे, तो बर्फ दिख रही थी ना, अब देखना वहाँ पे पूरे पूरे बादल ही बादल हो गए। देखो एक ड्रोन मेरे हाथ में, एक ड्रोन कुनाली के हाथ में है, ट्राइपॉड भी है टाइम लैप्स के लिए। और ये ओरियो का न्यू घर अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, देखो इतना भारी है ना भाई, उसके इसको उठाने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए, अंदर रख ही नहीं पा रहे इसको हम अभी। तो गाइज अब व्यू देखो भाई, बादलों के साथ तो और प्यारा लग रहा है। तो मस्त टाइम लैप्स लगा दिया मैंने यहाँ पे, और देखो मैंने यहाँ ईंट भी लगा दी, कहीं हवा से उड़ ना जाए, सीधा नीचे जाएगा फोन भी। Every time, sprint you magic near. You belong with the fairies. तो आई होप आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। एंड गाइज आप ट्राई मत करना, बिल्कुल ऐसे बैठा था ना घर के बिल्कुल ऊपर, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मेरे को ऊंचाई से डर नहीं लगता ना, इसलिए मैं बैठ गया था। और हम पहाड़ी पे, हम तो पहाड़ के टॉप टॉप पर जाते रहते हैं। तो अभी घर पे आ गया हूँ, अब लंच करते हैं, हरी सब्जी रोटी एंड भिंडी। ये देखो भाई उल्टे काम, उल्टे काजी मोड़ दे, प्लास्टर है क्या? सुई लगा रखी है, स्प्लाइटर के लगाया है। क्या कर दो, देखो हाथ जला हुआ है, पैर में हर जगह दिक्कत ही दिक्कत। और फिर भी घर में काम वाली मेड नहीं रखनी आपको, फिर भी मेड क्या रखनी है, फिर भी काम करते रहना, हाथ जल जाए चाहे पैर कुछ भी हो जाए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए पोर्स लेके, बहुत टाइम के बाद पीयूष के साथ में, अभी ट्यूशन से आए, और साथ में गेम ऑफ रेड भी अभी आ रहे हैं, तो वो भी अपनी पोर्स लेके आएंगे, चलेंगे पहाड़ पे मस्त। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, ये दिखा रहा है टायर में हवा नहीं है, एक में पिछले में -17 दिखा रहा है। हमारे पास हवा भरने वाला है बड़ा, 32 कर दे। ये देखो भाई ऑटो वाले भैया रॉन्ग साइड, पूरा जाम लगा दिया। कहाँ जाने की सोच रहे हैं? अभी हमारे साथ पता क्या हो रहा है, हम जहाँ भी गेम फुटबॉल का वेट कर रहे हैं ना, वहाँ भीड़ लग जा रही है, वहाँ ट्रैफिक हो जा रहा है, तो हमको निकलना पड़ रहा है, हम आगे आगे चले जा रहे हैं। गाइस हम 4-5 जगह रुक गए भाई, जहाँ भी रुकते हैं वहाँ जाम लग जाता है भाई। गाइस हम तो पहुँच भी गए हैं, गेम ऑफ रोड अभी तक नहीं आए भाई, फाइनली गेम ऑफ रोड भी आ गए हैं भाई। हम पता 4-5 जगह रुके और जहाँ भी रुक रहे वहाँ जाम। फिर हमको यहीं पे आना पड़ा। इधर दिखाना जरा जो शर्मा रहे। पहुँच चुके हैं अपने अड्डे पे, लेट भी सकते हो। तो यहाँ पे हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय साथ में फ्राइज। अब जाने का टाइम आ चुका है, अभी घर पहुंच गए। मम्मी खाने में क्या बनाया? आलू गोभी की सब्जी रोटी। मेरे को मत कहना मैं मैंने जा रहा कल स्कूल, मैं यहाँ रसोई नहीं देखना चाहिए। मेरी बात कुछ भी हो मेरे को डांट नहीं पड़नी चाहिए, सीधी बात है। बड़ी मम्मी बोले स्कूल जाना है तो स्कूल, क्यों सारे सब्जेक्ट का कोर्स पूरा हो चुका है। चलो एक कंडीशन पे नहीं जाएगा स्कूल, कि सुबह से शाम तक पढ़ाई करता रहेगा। 2 घंटा भी पढ़ लेता वही बहुत है। हाँ 2 घंटे पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या फायदा? 2 घंटा करता ही हूँ तो मैं वैसे भी है? कितने घंटे पढ़ता है? मैं तो दिखानी है। घंटे पढ़ता है? नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा नहीं कर रहा। घर वाले तो ऐसे ही कहेंगे यार, कुछ कर लो तुम। कुणाली आप कितने घंटे पढ़ते हो? आप कितने घंटे? 1-2। तो अब करता हूँ डिनर, आलू गोभी रोटी एंड दही। तो अब मैं करता हूँ एडिटिंग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या हुआ? हेलो, मैं आपको जानता हूँ प्लीज ये ना। हेलो सारा भैया, हेलो सारा भैया, हेलो हेलो सारा भैया।